नमक आपने हसबे जायका डालना है, तो इस टाइम नमक मिर्च हसबे जायका हो गया, हसबे जायका हो गया। उसके बाद ये प्याज कट रहे हैं, किलो डेढ़ किलो प्याज था ना, बारह एक किलो प्याज डाल रहे हैं, एक किलो प्याज कटी जा रहा है इसके अंदर। सफाई का भी अंकल एकदम बेहतरीन एहतियात रखते हैं, सफाई साथ साथ पानी इस तरह ऑन द फ्लोर। प्याज को इसी तरीके से ऐसे, प्याज को दरमियान में बिल्कुल बारीक तरीके से काटते रहना। देख के लिए प्याज बिल्कुल गोल कटाई होती है, क्योंकि देख अगर आप 12 किलो या 14 किलो की देख बन जाती है एक पतीले में, बड़ा पतीला होता है तो प्याज बड़े कटते हैं इसके लिए। अगला स्टेप टमाटर, टमाटर 12 किलो की देग में 1 किलो टमाटर ऐड करेंगे, इसको भी उसी तरीके से गोल गोल काटेंगे, ऐसे स्टक रखने बिल्कुल। तो अंकल जी क्या है? अदरक हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च ये पाव पाव है ना, पाव पाव हरी अदरक और हरी मिर्च को पीसा गया है और इसमें ये टमाटर के ऊपर लगा डाल रहे हैं। और साफ करके इसके ऊपर कुछ मसाले डाले जाएंगे, गरम मसाला आधा पाव, गरम मसाला आधा पाव डाल दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, अगर ये क्या डाला गया? आलू बुखारा, आलू बुखारा पाव डाला गया इसके अंदर, नेशनल का अचार एक पाव, इसे जायका भी आ जाता है। चाइना शॉट क्या? चाइना शॉट, चाइना शॉट पाव डाला गया है। बाजरा कुटाई, बाजरा कुटाई पाव डालेगी इसके अंदर, पौनी 20 ग्राम, पौनी 20 ग्राम, पौनी 20 ग्राम डाला जा रहा है इसके अंदर। दातर मिर्च आपको पता है जैसे अपने स्पाइसी के लिहाज से, ये आपके हाथ पे आप कितना मर्जी डाल सकते हैं अगर आप कुछ स्पाइसी करना है। इसमें नमक डाला जाएगा, नमक जाएगा, नमक हसबे जायका डालें इसके अंदर आप। 12 किलो चावल के लिए 4 मुठ नमक डाल दिया इसके अंदर।
इलायची डाल दी है 20 ग्राम, सारे मसाले बाकायदगी की तरीके से एक परात में अलग एक ही दफ़ा तैयार कर दिए गए हैं। प्याज वो कर दिए अलग और ये मसाले अलग तैयार कर दिए। अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। चिकन को अच्छी तरीके से धो लिया जाएगा क्योंकि चिकन कल धो लिया था और फ्रीज़ हो गया था, इस लिहाज से अंकल इसको अलग अलग करेंगे। कल अंकल ने कहा था लेग हाफ करना है, तो इस लिहाज से लेग और छोटे छोटे पीस करवाने हैं इसके। शान का घी किलो का पैकेट एक, ये इसमें अच्छी तरीके से डाल दिया गया है। किलो का एक और पैकेट, 12 किलो की देख के लिए 2 किलो घी शान का डाल दिया गया है इसके अंदर। दो भी नहीं, 2.5 किलो घी का पैकेट इसमें कायदे के तरीके से डाला जा रहा है। इसमें ऑयल नहीं डाल सकते? ऑयल भी डाल सकते हैं। भाई ये आप पे, आप ऑयल डालें घी डालें, लेकिन देख लोग ज़्यादातर घी डालते हैं। पता नहीं ये इनका कोई लॉजिक है या कोई मैजिक है जिसकी वजह से बेहतरीन तरीके से बन रही। देग को ऊपर रख दिया जाएगा। प्याज इसमें डाल दिए गए हैं, इसको पकड़ो जरा। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए जाएंगे जो पहले बेस तैयार किए गए। Yeah।
दही डालेंगे 1 किलो। बाबे की भी तस्वीर पूरा बाबा चिकन डाल दिया 7 किलो इसके अंदर 12 किलो की देख के लिए 7 किलो चिकन डाल दी। चिकन अब आप बैठा जितना मर्जी डाल चिकन इसमें डाल दिया गया है और ऊपर से ढक देंगे पकने के लिए। इस डेग को पकने देंगे। ढक्कन खोल दिया है, चिकन को हिला लेंगे। चिकन को भून लिया जाएगा। ठंड है तो सिलेंडर को पानी में डाल दिया क्योंकि गैस नीचे वाली तह में बैठ गई है। ये दूसरी देख टक करके रेडी है जैसे कि पहली देख तैयार है। इसकी साइड कर करके इसको बना लेना। इसमें चम्मच नहीं फिर इसकी साइड चेंज कर। पानी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। चावल इनके घर का है और 2 साल पुराना चावल, थोड़ा पानी कम कर रहे हैं। वाह, अंकल का तजुर्बा सही कह रहा है। वाह, ये 13 किलो पानी है, ये 13 किलो पानी है। वही कह रहे हैं 13 किलो पानी है इसके अंदर। वही कह रहे हैं इसमें 13 किलो पानी है तो इस पानी को कम करो। इसमें पानी कितना डाला जा रहा है? 12 किलो इसमें पानी डाला जा रहा है। पानी डाल दिया इसके अंदर। इसको साइड पलट पलट के इसको बाकायदगी तरीके से बना लिया जाएगा। इसमें पानी ऐड किया है। ऊपर से इसको ढक दिया जाएगा। चावल इसमें 12 किलो डाल दिया।
अब इसको चम्मच से हिला लेंगे। अब इस पर ढक्कन दिया जाएगा। चम्मच चलाने के बाद चावल को ही चेक कर लेंगे। दम पे लगा दिया आग, नीचे से चूल्हा आंच आहिस्ता कर देंगे दम के लिए। चावल को इतनी देर दम आ रहा है, आंच बिल्कुल धीमी करती है इसके नीचे। ऊपर से कैप उठा दिया गया दम के दौरान। मसाले सारे साबुत का पैकेट मसाला यूज नहीं करते, कोई पैकेट नहीं यार। ये बात होती है इनके, यकीन मानो ये पैकेट वाले मसाले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। और इनके बिरयानी मैं कह दूँ क्या ही बात है। ज़रदा इसके ऊपर डाल देंगे कलर के लिए। लोग ज़्यादातर पानी में इस्तेमाल डालते हैं हल करके, लेकिन इनकी टेक्निक अलग है। इन्होंने साबर डाल दिया सारा। चूल्हे से उतार दिया जाएगा। क्या इसकी खुशबू आ रही है बेहतरीन। हमारी एकदम तैयार हो गई है। रात दे दे बेटा।